अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू zions.com। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आज जिस सॉफ्टवेयर पे आपसे बात करूंगा वो है लोकल बाय फ्यूलाइनी। ये वाला सॉफ्टवेयर है जो मैं पर्सनली मैक पे वर्डप्रेस की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसकी काफ़ी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि आपने यूज़ किया होगा अभी तक जैम्प, लैम्प या मैम, तो उनका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो वो जब प्लगइन्स कोई इंस्टॉल करने लगें या कोई और कोई ऐसा काम करने लगें तो वो वहाँ पे आपको परमिशन एरर देता है कि ये इस फाइल को सही से परमिशन नहीं है, जिसको कि ये लोकल बाय फ्लाइमिन बहुत अच्छे से कवर करता है। तो इसके लिए बस आपको ये करना है कि आप इस साइट पे हैं लोकल बाय फ्लाइमिन, इसका URL आप देख सकते हैं उसको, और फ्री डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको बस अपनी यहाँ से मैक सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर मैक कर रहे हैं। अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो उसके लिए जैम काफ़ी बेहतर है, विंडोज़ पे जैम काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे कोई परमिशन एरर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैक पे परमिशंस का मसला होता है तो आप मैक में जैम की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लोकल, और इसके एक से दो वजहात हो रहे हैं वो मैं आपको भी बताऊँगा। तो आपने यहाँ पे साइट में आ जाना है और यहाँ से फ्री डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद मैक सेलेक्ट करना है, और ये सिर्फ दो से तीन आपसे चीज़ें मांगेगा, अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है डाउनलोड करके, तो मैं आपको वो चला के दिखाऊंगा। ये जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आपको विंडो नज़र आएगी। उसके बाद फ़र्स्ट टाइम आपके मैंने ये एक साइट इंस्टॉल की हुई है, आपके पास कोई साइट नहीं होगी, आपको यहाँ पे न्यू साइट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे बड़ा सा बीच में प्लस का साइन आ रहा होगा, अगर वो ना है तो ये देखें आप साइट पे आ, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का नाम लिखना है। ये साइट नेम है जो हम साइट में लिखते हैं, जैसे कि हम आप भी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो हमसे वो पूछता है वेबसाइट नेम, तो ये वो वाला नाम है। यहाँ पे आप जो नाम अपनी वेबसाइट का रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। बाद में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप प्रेफर्ड ही रहने दें, मतलब कि कस्टम ना करें। कस्टम अगर आप करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप PHP वर्जन भी सिलेक्ट करें, डेटाबेस वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप प्रेफर रहने दें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद ये आपको वर्डप्रेस का एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर जो यूज़र नेम रखें और जो पासवर्ड रखें वो याद रखना है, क्योंकि ये हमें WP एडमिन में लॉगिन होने के लिए रिक्वायर्ड होगा, और साथ में ये आपकी एडमिन ईमेल जो आप अपनी रखना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी पर्सनल यूज़ कर लूँगा। और उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे सिर्फ पूछेगा अगर आपको, हाँ अगर आपको मल्टी साइट चाहिए, जैसे अगर आपको मल्टी साइट का कॉन्सेप्ट पता है वर्डप्रेस में तो, और आप वो रिक्वायर्ड है आपके पर्पज़ के लिए, तो आप यहाँ पर येस कर देंगे तो वो मल्टी साइट की फंक्शनैलिटी होगी। हमें क्योंकि इस ट्यूटोरियल में रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको नो देने दूंगा और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ऐड साइट करेंगे, ऐड साइट करेंगे तो ये फिर उस साइट को ऐड करके वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने किया हुआ पहले। उसके बाद ये साइट में इस तरह जो आपने वर्डप्रेस का नाम रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद और ये ऑटोमेटिकली जब फर्स्ट टाइम आप वो ऐड करेंगे तो ये इसको स्टार्ट भी कर देगा। ओके, मैंने क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे से आप किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करके उसको स्टार्ट साइट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट साइट करेंगे, अब इसमें मज़े की बात क्या है, आप उसके बाद आपको कोई लोकल होस्ट वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे जो आपने वेबसाइट का नाम रखा होगा यहाँ पर इधर ही क्लिक करेंगे तो वो आपको वेबसाइट पर ले आएगा। आप ये रिमूव कर दें, ये देखें उसने उसकी एक सब डोमेन टाइप बना दिया, ये इसकी बड़ी मज़े की बात है। दूसरा, आप इसको SSL से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो नॉट सिक्योर आ रहा है आप इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ये अब ये सिक्योर हो गया, फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये ओवरव्यू का टैब आ रहा होगा, आपको SSL के टैब में आके यहाँ पे ये बटन एक होगा, मैंने वो क्लिक कर दिया, अब आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे मांगेगा कि आप क्या उसको अलाउ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको येस कर देंगे, वो ट्रस्टेड हो जाएगा। और बाद में फिर आपको बस यहाँ पे आके लिखना है https://, और ये सिक्योर साइट में आ जाएगा। अब इसका WP एडमिन लॉगिन करेंगे, ओ
सॉरी, वो मैंने यहाँ पे ये नहीं स्लैश नहीं डाला, और ये आ जाएगा मैंने क्योंकि इसका एडमिन और एडमिन रखा हुआ था, जो आपने वो यूजर नेम WP एडमिन का जो यूजर नेम और पासवर्ड रखा था उसको याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पे लॉगिन के वक्त काम आएगा, आप रिमेंबर मीन कर लें। और ये देख सकते हैं कि आप ये लॉगिन हो गया। अब इसमें जो बेहतर बात ये है कि ये आपको बार बार अब परमिशंस का मसला नहीं देगा, अगर आप ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे तो उसमें परमिशंस का मसला आएगा। आप यहाँ पे आ जाएं और कोई भी प्लगइन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कोई भी परमिशन वगैरह किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए वर्डप्रेस की डेवलपमेंट मैक के ऊपर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल भाई फ्लाई में यूज़ करें। इसका ये आप URL दे सकते हैं, ये 100% फ्री है, कोई आपको इसकी मतलब टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये एक्टिवेट भी हो गया, इसमें किसी किस्म का कोई उसका इशू नहीं आता परमिशन का। अब इसमें जो मज़े की बात है, आपने डेवलपमेंट की और आप चाह रहे हैं कि मतलब अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं कि पर्सनली रिकमेंड करने का मकसद क्या था, आप यहाँ पे बस आएंगे, ये देखें लिखा हुआ लाइव लिंक, आप इसको इनेबल कर देंगे और ये देखें उसने आपको एक लाइव लिंक बना के दे दिया, लेकिन ये लाइव लिंक तभी तक चलेगा जब तक आपकी ये लोकल होस्ट पे चल रही है वेबसाइट, अगर आप यहाँ से बंद कर देंगे तो फिर ये लाइव लिंक भी बंद हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि जब क्लाइंट को दिखाने लगे तो लोकल होस्ट पे ये साइट चलती रहनी चाहिए और फिर ये लिंक बस उसको दे दें और वो इस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट को देख सकता है आराम से, इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और अपना काम आप क्लाइंट को दिखा दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप मैक पे वर्डप्रेस की डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। लोकल बाय फ्लाई व्हील ये सॉफ्टवेयर है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको 2 से 3 फायदे हैं। एक तो इसमें आपको परमिशंस का कोई मसला नहीं होता, और दूसरा एक और चीज़, क्योंकि कोई डिवेलपर्स होते हैं जिनको वेबसाइट शिफ्ट करनी होती है कि आप कहेंगे कि अब मुझे इसकी फाइल्स कहाँ से मिलेंगी, तो फाइल्स के लिए आप ये देखें जब जिस भी साइट पे आना उसको सेलेक्ट कर लें, उसके नाम के नीचे आप देख सकते हैं इसने एक दिया हुआ है ये टाइप, आप इसके आगे ये आइकॉन है ये आपको उस फोल्डर में खोल देगा, उस फोल्डर में आए वेबसाइट का, उसके बाद ऐप के फोल्डर में और पब्लिक के फोल्डर में, बस ये 2 फोल्डर्स का आपको तकलीफ करनी पड़ेगी बाकी। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी वो फाइल्स हैं, आप इसको यहाँ से जिप कर लें। अब रही बात डेटाबेस की, डेटाबेस कहाँ से मिलेगी, वो आपको यहाँ से मिलेगी, डेटाबेस यहाँ पे आ जाएं और ओपन एडमिटर, यहाँ से अब आप डेटाबेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे मैंने किया है, आप यहाँ पे आएंगे सॉफ्टवेयर में, ओवरव्यू के टैब में से डेटाबेस के टैब में, और ये कनेक्ट ये ओपन एडमिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटपुट को हमने सेव करना है, सेव SQL बस, और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना और एक्सपोर्ट कर देना है, ये आपकी डेटाबेस होगी। अब आप इसको जहाँ पे मर्जी कहीं पे cPanel पे इंस्टॉल करना चाहें या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि आप वर्डप्रेस की डेवलपमेंट मैक पे किस तरह कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं।